मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। ये गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। की मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचानो। क्या सही में डॉन फ्रेंचाइजी की मूवी रिलीज की जाने वाली है? क्या शाहरुख खान वापस से अपनी इस डॉन की दास्ता को आगे बढ़ाएंगे? अब डॉन को पकड़ने के लिए कौन से देश की पुलिस जुट जाएगी और कब टूटेगा लोगों का इंतजार मूवी को लेके? कौन सी न्यूज है झूठी और कौन सी है सच्ची? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए ये जान लेते हैं कि क्या सही में डॉन 3 आने वाली है या ये सब एक महज एक अफवाह है। डॉन मूवी जिसको डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने, खुद एक बेहतरीन एक्टर और सिंगर हैं ये तो हम सभी जानते हैं, और उनकी 2006 की डॉन फ्रेंचाइजी की मूवी काफी लोकप्रिय भी है। और हो भी क्यों ना, जिस मूवी में बॉलीवुड के राजा शाहरुख खान काम कर रहे हैं उस मूवी को तो लोगों का प्यार जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2006 की डॉन और 2011 में रिलीज की गई डॉन 2 से फरहान अख्तर को काफी ज्यादा लाभ हुआ था। ऐसा लगा मानो उन्हें अलीबाबा के गुफा का ठिकाना मिल गया हो। और हाल ही में डॉन की मूवी ने अपने 14 साल का सफर पूरा किया है, और जब से ये हुआ है तब से आए दिन यही खबर सुनने को मिल रही है कि डॉन 3 मूवी बनने वाली है। अब इसके बारे में सही खबर तो हमारे मूवी के डायरेक्टर फरहान अख्तर जी ही दे सकते हैं। फैंस की डिमांड को ध्यान में रखते हुए फरहान अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में अपना दुख जताते हुए ये कहा कि फिलहाल डॉन की नई मूवी को लेकर उन्होंने नहीं सोचा है, उन्हें अपने फैंस को मायूस करते हुए बेहद दुख हो रहा है, लेकिन उन्होंने नई मूवी की स्क्रिप्ट को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉन 3 के बारे में खुद मूवी के डायरेक्टर अभी तक श्योर नहीं है, तो वो लोगों को क्या ही उम्मीद देंगे। लेकिन अभी जब उनके कानों तक ये बात पहुंच गई कि उनके फैंस नई मूवी की डिमांड कर रहे हैं, तो अपने फैंस का दिल रखने के लिए फरहान अख्तर जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और ये होती है ना एक अच्छी डायरेक्टर जैसी बात। अगर सोचा जाए और ये कहा जाता है कि डॉन 3 की मूवी और भी ज्यादा रोमांचक होगी और मूवी में शाहरुख खान रहेंगे तो एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल की कोई कमी लोगों को महसूस नहीं होगी। डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं नामुमकिन वाला डायलॉग तो सबको पता है, और जब तक ना मूवी में ये लाइन है और जब तक ना कि डॉन की मूवी अधूरी लगती है, तो आप लोगों को क्या लगता है अगर फरहान अख्तर ने नई मूवी बनाई तो क्या इसमें भी ये वाला डायलॉग रहेगा? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को, और ऐसी फिल्मों से जुड़ी कुछ नए अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पे। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सुप्रीता रॉय ने लिखी है।